हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का फिर से एक बार जो डेट जारी किया है, जो कि मैंने आपको कल के अपडेट में बताया भी था कि जो छात्र संघ के जो स्टूडेंट्स लीडर्स के जो स्टूडेंट्स थे वो क्या किए थे कि वो परीक्षा नियंत्रक से और प्रतिकुलपति से रिक्वेस्ट किए थे कि जो एग्जामिनेशंस का जो शेड्यूल है, यानी जो एग्जामिनेशंस फॉर्म भरने के लिए जो फॉर्म डेट था उसको फिर से एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि रीज़न था अग्निपथ का स्कीम। और अग्निपथ के स्कीम के कारण से कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। हालांकि इस पूरे मैटर पे फिर यूनिवर्सिटी ने भी दोबारा सोची और फिर आपके लिए नोटिस लाती है कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड का, उसे 48 आवर्स के लिए फिर से ओपन किया जाए। आपको बता दें कि 48 आवर्स के लिए ओपन किया गया तो ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में फॉर्म फिलअप हो रहा है। यानी जिनका अगर नो रिकॉर्ड फॉर्म का प्रॉब्लम है वो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, एंड जिनका अगर रिकॉर्ड फाइंड करा है तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। साथ में ये भी मैंने आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट्स 14 से 15 के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनका, यानी पार्ट वन के वैसे तमाम सारे स्टूडेंट जो 14 से 15 के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनके लिए भी अपडेट था कि उनका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो लगभग आपको 19 के आसपास में जारी कर दिया गया था। यानी 14 से 15 के आसपास में अपने रजिस्ट्रेशन करवाया, 19 से 20 जून होते होते आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। तो वैसे तमाम सारे स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन स्लिप जारी हो चुका है वो क्या करेंगे, अपने डिटेल से वो रिकॉर्ड देखेंगे, अगर उनका रिकॉर्ड फाइंड करता है तो वो क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे ऑनलाइन, अदरवाइज वो फॉर्म को फिल करेंगे ऑफलाइन। तो ये तमाम सारा अपडेट मैंने आपको बताया था। हालांकि पेपर में भी कुछ अपडेट आया, क्या कुछ पेपर में करेंटली अपडेट है और इससे आगे के एग्जामिनेशन पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, चलिए जानते हैं पेपर के अपडेट से। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग पेपर। सो गाइज, देख सकते हैं ये है पेपर का अपडेट, जिसमें बताया गया कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय यूजी के छात्रों ने की मांग, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि फिर से जारी हो, कुलपति को दिया गया आवेदन। तो आपको बता दें जैसे ही कल कुलपति को दिया गया आवेदन तो फाइनली तुरंत उसी दिन यानी कल के कल ही आपका डेट को एक्सटेंड करने का न्यूज़ भी आपके पास आया, जो कि मैंने आपके लिए क्या किया था, कवरअप किया था, ये बात मैंने आपको बताया भी था। और जो कि डेट आपका 48 आवर्स के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट का जिसका फॉर्म नहीं भराया है वो अगर अपडेट नहीं होते हैं तो फिर से उनका फॉर्म छूट जाएगा और ये लास्ट चांस है, ये आपका लास्ट चांस है। प्लस ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए बताता हूँ कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि परीक्षा फॉर्म तो भर लिए लेकिन अभी तक कॉलेज में जाकर के वो अपने तमाम सारे जो परीक्षा फॉर्म से संबंधित दस्तावेज है, या कह सकते हैं जो परीक्षा फॉर्म से संबंधित तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको अभी तक कॉलेज में जमा नहीं किए हैं। और अगर आप कॉलेज में जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में, जैसे फोटो गलत अपलोड कर दिए, सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिए, कुछ डिटेल्स आपका मिसमैच है, तो कैसे आपका ठीक होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले लोग समझते हैं इस पेपर के अपडेट में क्या कुछ बताया गया है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि बिहार प्रदेश छात्र जनता दल ने बुधवार को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तिथि को फिर से जारी करने के लिए कुलपति को पत्र लिखा। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अग्निपथ योजना के विरुद्ध हो रहे आंदोलन प्रदर्शन के कारण परिवहन की हुई समस्या से हताहत होकर परीक्षा फॉर्म भरने से जो छात्र वंचित रह गए थे उनको एक बार क्या किया गया है कि मौका दिया गया है, तो वो इस मौका का फायदा उठाएंगे, जो कि मैं बता रहा हूँ बार बार 48 आवर्स है, यानी आपका आज तक का टाइमिंग है। आज आपका है 23 जून, 23 जून तक आप अपना जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म से छूट गए वो अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, नहीं तो फिर आपका एडमिट कार्ड वगैरह जब जारी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपके लिए कोई भी उपाय नहीं बचता है। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी छूट गया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन छूट जाने वाले स्टूडेंट्स को चांस मिलता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कंफर्म है कि जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म छूटा था उनको एक बार चांस मिला है। जो भी होगा फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैंने बताया, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म तो फिल कर रहे लेकिन अभी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में ले जाकर जमा नहीं किए, जिससे कि क्या हो, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म को वैलिडेशन नहीं किया जाएगा। और जब एग्जामिनेशन फॉर्म को वैलिडेशन नहीं किया जाएगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं होगा। तो आपको बता दें कि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो आप पेमेंट करते हैं, यानी जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म का पेमेंट करते हैं उसका पेमेंट रिसिप्ट प्लस अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी जब आप फॉर्म को फिल कर रहे थे तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी डाउनलोड होता है, तो पेमेंट रिसिप्ट, एग्जामिनेशन फॉर्म प्लस आपका रजिस्ट्रेशन, अगर आप पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो अपने प्रीवियस ईयर का रिजल्ट, इसके बाद आपको क्या करना है, फोटो साइन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के कॉलेज के काउंटर पे क्या करना है, जमा करना है। और ध्यान रखिए ये सारा कॉपीज में आप जमा कीजिएगा, फोटो कॉपी ये सारा का फॉर्म का जमा कीजिएगा। इसके बाद जाकर के आपका वैलिडेशन होता है। अगर आपका वैलिडेशन के टाइम में कोई भी डाटा मिसमैच दिखता है, मतलब अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के टाइम में कोई भी डाटा गलत फिल कर दे या फिर
कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो आपको क्या करना है, लेटर के फॉर्म में, यानी जब आप कॉलेज के काउंटर पर जमा कीजिएगा तो वहाँ पर एक लेटर भी लिख करके दे दीजिएगा जिसमें आप उस प्रॉब्लम के बारे में बता दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, जब उनका वैलिडेशन होगा यानी जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को वैलिडेट करेंगे तो वो इस लेटर को पढ़ लेंगे और आपके उस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। तो ये आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि मैं लगातार आपके लिए कवरअप कर रहा हूँ। लगातार पेपर के अपडेट से मैंने आपको बताया, नोटिस के अपडेट से बताया कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो आखिरी वो टाइमिंग मिला है वो आपको 48 आवर्स का मिला है, जो कि 2 दिन के लिए मिला है, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। बता दूँ कि इसके बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म डेट वगैरह एक्सटेंड नहीं होगा और फिर आपका एग्जामिनेशन की तैयारियों में यूनिवर्सिटी जुट जाएगा। हालांकि एग्जामिनेशन की तैयारी पहले ही हो चुकी है और जो आपका डेट था आपका एग्जामिनेशन का डेट पार्ट थर्ड का, आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन का पार्ट थर्ड का डेट भी जारी है 27 जून से, लेकिन हालांकि ये उसके रिगार्डिंग उम्मीद है कि ये आपका डेट 100% एक्सटेंड करेगा, चूँकि एग्जामिनेशन फॉर्म ही आपका 23 से 24 तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ही भराएगा। तो इतना जल्दी फिर 23 से 24 और 27 के बीच में लगभग 3 से 4 दिनों का गैप रहता है और 3 से 4 दिनों के गैप में एग्जामिनेशन लेना कभी भी संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो भी कुछ होगा मैं आपको आगे फर्दर अपडेट करूंगा। सो गाइस, ऐसा करता है, वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो का हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस रहा होगा। सो गाइस, वीडियो को इन करते, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।